हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। पेडागोजी स्पेशल क्लासेस में हम 11th 12th की एनसीईआरटी कवर कर रहे थे। 11th कंप्लीट हो गई है। 12th के सेकंड चैप्टर में हम तीसरे टॉपिक यानी थर्ड पार्ट पे पहुंच गए हैं। और हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि बहुत सारे अप्रोचेज होते हैं, पर्सनैलिटी की बात की थी ना, कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। सो कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी में हमने बात की थी कि बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं, जिसमें से मेजरली दो मेन तो पता होने ही चाहिए, एक टाइप अप्रोच, ठीक है, या फिर एक ट्रेट अप्रोच। ये दो अप्रोच होते हैं जी। तो आज हम टाइप अप्रोचेस की बात करेंगे, उसके अंदर किस तरीके के साइकोलॉजिस्ट हैं, टाइप साइकोलॉजिस्ट या टाइप थियोरिस्ट बोल देते हैं उनको, क्योंकि उन्होंने टाइप थियोरीज दी हैं, ठीक है। सो उनके उन थियोरीज के बारे में जो आपकी बुक में मेंशन है एनसीईआरटी में, उसके अलावा कुछ एक जो एक्स्ट्रा है वो मैंने आपको ऑलरेडी पर्सनालिटी की जो प्लेलिस्ट है और वो जो मैंने आपके डी ट्रिपल एस बी वाली उसमें प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दी है कुछ एक क्लासेस, तो मेक श्योर आप उनको भी देख लें, ठीक है। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड मेक श्योर कि आप एटलीस्ट जो जो चीजें, जो जो फैक्चुअल पोर्शन एनसीईआरटी 11th और 12th मैंने करवाई उसके अंदर है वो तो प्लीज कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेजर अप्रोचेस की जब हम बात करेंगे, हमने बोला था टाइप अप्रोच, जिसमें हम ब्रॉड वे में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, यानी हम ये बोल देंगे कि भाई ये टाइप वन है, टाइप टू है, टाइप थ्री, टाइप फोर, इस चार तरीके के लोग होते हैं, ये चार पर्सनालिटीज हैं। तो हम ब्रॉड एस्पेक्ट में देखने की ट्राई कर रहे हैं, कैटेगराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी में एक ग्रीक फिजिशियन है हिप्पोक्रेट्स, इन्होंने भी एक टाइपोलॉजी ऑफ पर्सनैलिटी जो है वो दिखाई या एक बनाई, ठीक है, बेस्ड ऑन फ्लूइड और ह्यूमर। तो ये बस इतना याद रखिएगा कि किसके ऊपर बेस, मतलब क्या, किस बेस के ऊपर हिप्पोक्रेट्स ने अपनी थियरी दी, टाइपोलॉजी दी। तो टाइपोलॉजी मतलब टाइप पर्सनालिटी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, टाइप अप्रोच की बात हो रही है। सो हिप्पोक्रेट के फ्लूइड और ह्यूमर के बेसिस पे दी और चार टाइप दिए। तो ये चारों टाइप आपको पता होने चाहिए, सैंग्विन, फ्लेगमेटिक, मेलनकोलिक या फिर कोलेरिक। मैंने इसको थोड़ा सा और डिटेल में, प्लस इसके जो फ्लूइड कौन सा कहाँ है वो मैंने पर्सनालिटी वाली क्लास में करवाया था, बट आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ इतना पोर्शन मेंशन है, तो आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि फ्लूइड या ह्यूमर के बेसिस पे हिप्पोक्रेट्स ने चार टाइप ऑफ पर्सनालिटी के बताए। एक रहेगा सैंग्विन, फ्लेगमेटिक, मेलनकोलिक और कोलेरिक। ये नाम याद रखने बहुत जरूरी है और हर एक में अलग अलग बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, फीचर्स होंगे, जो एनसीईआरटी में नहीं बता रखे ब्रॉड लेवल पे, बट हाँ इतना आइडिया दे दिया कि हिप्पोक्रेट्स नाम के ग्रीक फिजिशियन ने भी टाइप अप्रोच के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। ओके, दूसरा है जी चरक संहिता। चरक संहिता में भी आपने फेमस सुनी होगी आयुर्वेदा वगैरह, तो उसमें आपने सुना होगा कि तीन चीजें होती हैं, तीन कैटेगरी के लोग होते हैं, एक वत, एक पित्त और एक कफ, ठीक है। तो इसको त्रिदोष भी बोलते हैं, ये भी ह्यूमरल एलिमेंट्स के बेसिस पे, फ्लूइड वाले बेसिस पे ही है। हर एक टेम्परामेंट, जो टाइप ऑफ टेम्परामेंट तीनों है, उनको हम क्या बोल रहे हैं, प्रकृति बोल रहे हैं, क्योंकि वो बेसिक नेचर है किसी भी इंसान का। तो त्रिदोष अगर रिलेटेड रहे तो वो किससे रिलेटेड है, चरक संहिता से, वत, पित्त और कफ, ठीक है। एक और चीज त्रिगुण, एक और टाइपोलॉजी है जिसमें त्रिगुण की बात की गई है। ये सांख्य फिलोसफी में आता है यूजुअली, जब हम इवोल्यूशन पढ़ते हैं ना नेट में, हम बहुत डिटेल में मैंने सांख्य फिलोसफी करवाया था। अगर आपको इंटरेस्ट है तो एक बार सांख्य फिलोसफी देखिएगा, आपको पूरा का पूरा इवोल्यूशन समझ आ जाएगा कि त्रिगुण का मतलब क्या है। तो त्रिगुण मतलब तीन गुणों की बात हो रही है, एक है सत्व, एक है रजस और एक है तमस। तो सत्व गुण जिसके अंदर है वो क्लीनलीनेस पसंद व्यक्ति होंगे, ट्रूथफुलनेस होगी, ड्यूटीफुल होंगे, डिटैच कर पाएंगे वो इजीली और डिसिप्लिन्ड होंगे। तो ये सत्व गुण है, मतलब अगर ये कैरेक्टरिस्टिक या ये एट्रीब्यूट्स फीचर्स किसी में है तो वो सत्व गुण वाली पर्सनालिटी में आएगा अकॉर्डिंग टू ये जो तीन गुण है इनके हिसाब से। रजस गुण की बात करें तो वो इंटेंसिव एक्टिविटी को इंक्लूड करेंगे, डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन रहेगा, डिससेटिस्फैक्शन, एनवी फॉर अदर्स एंड अ मटेरियलिस्टिक मेंटेलिटी उनकी रहेगी। तमस गुण की बात करें तो वो कैरेक्टराइज करेंगे, गुस्सा रहेगा, एरोगेंस रहेगी, डिप्रेशन, लेजीनेस, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस। ये अगर गुण दिख रहे हैं आपको, ये क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक दिख रही, क्वालिटी तो नहीं होगी, ये कैरेक्टरिस्टिक दिख रही है तो वो तमस गुण होगा। तीनों के तीनों गुण जो हैं वो हर किसी में प्रेजेंट होते हैं, बात सिर्फ इतनी है कि किसी में ज्यादा सत्व गुण होगा तो आपको क्लीनलीनेस ज्यादा, आप ऐसा तो नहीं होगा ना कभी कि किसी में मतलब बहुत अच्छा अच्छा इंसान है और गुस्सा तो कभी आता ही नहीं, कभी तो आता होगा ना, तो वो सत्व गुण में भी डोमिनेट कर रहा हो, तमस गुण बहुत कम हो, लेकिन होगा।
तो तीनों गुण होते हैं हर एक इंसान में। डोमिनेंस के बेसिस पे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर हमें किसी इंसान में दिख सकता है कि मान लो कोई जो है बिल्कुल ही क्लीनलीनेस पसंद व्यक्ति हो, जैसे जिनको होता है ना क्लीनलीनेस डिसऑर्डर भी होता है, OCD बोल देते हैं शायद, तो ओवर क्लीनलीनेस डिसऑर्डर, तो उसमें क्या हो जाता है जी, वो सत्व गुण डोमिनेट कर रहा है उसके अंदर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रजस या तमस गुण उनमें है ही नहीं। तो वो तीनों गुण हर किसी में प्रेजेंट होते हैं, डोमिनेंस की बात होती है कि कौन सा ज्यादा है। फिर आते हैं शेल्डन। शेल्डन ने भी बॉडी फ्लूइड और टेम्परामेंट को यूज करके तीन टाइपोलॉजी दी हैं। एक है एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फ किसको बोल रहे हैं, वो जो फैट होंगे, सॉफ्ट होंगे और राउंड होंगे, मतलब थोड़े मोटे हेल्दी लोग, उनकी बात हो रही है। उनका टेम्परामेंट रहेगा कि वो रिलैक्स हैं और सोशियेबल हैं, दूसरा सोशियेबल, ठीक है। देन मेसोमॉर्फ जो होंगे वो थोड़े मस्कुलर होंगे, मतलब इट्स लाइक वो होता है ना रेक्टेंगुलर बॉडी विद अ स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्ड, तो वो सिक्स पैक वाली फीलिंग और एनर्जेटिक होंगे, उनमें साहस होगा, करेजियस होंगे, तो वो मेसोमॉर्फ होंगे। एक्टोमॉर्फ जो बिल्कुल पतले होंगे, लंबे फ्रेजाइल होंगे बॉडी की अगर बात करें तो, ये ब्रेनी और आर्टिस्टिक और इंट्रोवर्ट होते हैं नेचर में, जो पतले लोग होते हैं कंपैरेटिवली, ठीक है। थिन की बात हो रही है बिल्कुल ही, तो ये थिन, ये मस्कुलर और ये बिल्कुल फैट की बात हो रही है। तो ये तीन बेसिस पे, बॉडी टाइप के बेसिस पे इन्होंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। देन कार्ल जंग, जिनके हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में भी पढ़ेंगे, ह्यूमनिस्टिक थियरी भी मैंने करवा रखी है कार्ल जंग की और डाल दिया आपकी प्लेलिस्ट में, देख लीजिएगा। इनको इन्होंने वाइडली रिकग्नाइज किया दो टाइप के ग्रुप, एक इंट्रोवर्ट और एक एक्सट्रोवर्ट। तो यहाँ एक्स्ट्रावर्ट लिखा हुआ है, ये बुक में यही मेंशन है, बट इंट्रोवर्ट एक्स्ट्रोवर्ट हम यूजुअली सुनते रहते हैं कि इंट्रोवर्ट कौन से होंगे, जो अकेले रहना प्रेफर करें, दूसरों को अवॉइड करें, ठीक है, अपने आप को किसी इमोशनल सिचुएशन या कॉन्फ्लिक्ट में डालने के बजाय पीछे खींच ले, शाये हों, जो होता है ना पार्टी में चले तो गए बट बिल्कुल साइड में खड़े कॉर्नर में, वो वाली चीज। देन एक्सट्रोवर्ट जो है या एक्सट्रोवर्ट्स, वो सोशियेबल होंगे, सोसाइटी में आउटगोइंग होंगे, बात करना पसंद करेंगे सबसे, ठीक है। जो भी ऑक्यूपेशन जहां पे उनको बातचीत करनी हो, जैसे सेल्स में जो लोग होते हैं वो, उनको सबसे बात करनी पड़ती है ना, तो वो उस ऑक्यूपेशन में जाएंगे जहां पे बातचीत करना पसंद हो लोगों को या बातचीत करने का काम हो उनका, ठीक है। रिएक्ट टू स्ट्रेस बाय ट्राइंग टू लूज देमसेल्व्स अमंग पीपल एंड सोशल एक्टिविटी, अपने आप को कूल डाउन या स्ट्रेस दूर करने के लिए वो बात करना पसंद करेंगे, सोशल एक्टिविटी पसंद करना पसंद करेंगे, ठीक है। तो वो ये क्या होंगे, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। देन आते हैं जी फ्राइडमैन एंड रोजनमैन। इन्होंने दो पर्सनालिटीज में डिवाइड किया, एक टाइप ए पर्सनालिटी, एक टाइप बी पर्सनालिटी। इन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक दी, ये बोले ये टाइप ए की कैरेक्टरिस्टिक है और जिसमें ये नहीं है, अगर इसका ओपोजिट है तो वो टाइप बी हो जाएगा, ओके। सो टाइप ए की अगर बात करें, पर्सनालिटी सीम्स टू पोजेस, इसमें हाई मोटिवेशन रहेगा, पेशेंस नहीं होगा, उनको जल्दी जल्दी काम करना है, ऐसे लग रहा है जैसे टाइम जा रहा है, बहुत जल्दबाजी में काम करेंगे वो, ठीक है। ये हमेशा बर्डनड फील करेंगे काम से कि बहुत काम है ऐसे वाला। सच पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्लो डाउन एंड रिलैक्स, तो वो नहीं रिलैक्स कर पाएंगे, उनको बस ये है कि जल्दी जल्दी काम करना है वो सिचुएशन। सो पीपल विद टाइप ए पर्सनालिटी मोर ससेप्टेबल टू प्रॉब्लम्स जैसे हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्ट डिजीज, तो ये होने के चांसेस हैं क्योंकि ये साइकोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स हैं। और इन्होंने जो साइकोलॉजिस्ट हैं ये, इन दोनों ने चेक किया क्लिनिकल लेवल पे, जब इन्होंने डाटा देखा तो उस बेसिस पे इन्होंने टाइप ए और बी में डिवाइड किया। तो ये आपको याद रखना है कि टाइप ए वालों को हाइपरटेंशन या कोरोनरी हार्ट डिजीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। अगर टाइप बी है तो वो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ओके। ऑपोजिट टू दिस इज टाइप बी पर्सनालिटी, जिसमें एब्सेंस होगी टाइप ए के ट्रेट्स की। इसको फर्दर भी एक्सटेंड किया गया, किसने एक्सटेंड किया, मोरिस ने टाइप सी पर्सनालिटी की बात की, जो कि प्रोन टू कैंसर है। यहां से क्वेश्चन फिर भी बन सकता है कि कौन से टाइप की पर्सनालिटी इज प्रोन टू कैंसर, तो वो टाइप सी पर्सनालिटी मोरिस ने बताई ये बात, ठीक है। ये सारे डॉक्टर्स थे एक्चुअली, जिन्होंने क्लिनिकल लेवल पे अपने पेशेंट्स को देखा, चीजों को ऑब्जर्व किया, तब जाके इन्होंने ये पर्सनालिटी के टाइप्स दिए। तो फ्राइडमैन एंड रोजनमैन टाइप ए टाइप बी, इन दोनों ने मिलके ये दो कैरेक्टरिस्टिक बताई। टाइप ए वाले जो है वो हाइपरटेंशन और CHD हो सकती है, उनको चांसेस ज्यादा हैं, और अगर चांसेस और भी ज्यादा हो जाएंगे अगर हाई ब्लड प्रेशर या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल या स्मोकिंग हाई है तो, ठीक है, इसकी वजह से। देन मोरिस ने टाइप सी बताया, जो कैंसर के प्रोन है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी, ये लोग कोऑपरेटिव होते हैं, अनअसर्टिव होते हैं और पेशेंस होते हैं, मतलब पेशेंस इनमें काफी रहेगा। नेगेटिव इमोशंस को ये दबा देते हैं,
और कंप्लायंस शो करते हैं अथॉरिटी की तरफ। मोर रिसेंटली टाइप डी पर्सनैलिटी भी सजेस्ट की गई, ये प्रोन होते हैं डिप्रेशन के। तो आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि भाई एक टाइप ए होता है, एक बी होता है, जो कि फ्राइडमैन एंड रोजनमैन ने दिया। टाइप ए वाले जो है वो हाइपरटेंशन यानी बीपी, हाई बीपी वाली प्रॉब्लम, तो उसके क्या रहेंगे, प्रोन रहेंगे, मतलब उनको ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आप हर टाइम ऐसे जल्दबाजी में रहेंगे, हड़ताल में रहेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, आप हाई पॉसिबिलिटी हो जाएगी आपकी हाइपरटेंशन होने की, बीपी हाई होने की। ओके, बी वाले एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाएंगे। सी जो है मॉरिसन ने दिया, प्रोन टू कैंसर। ये किस किस चीज से प्रोन हो सकती है पर्सनैलिटी, ये पक्का आ जाता है बहुत बार। टाइप डी जो है वो डिप्रेशन के प्रोन। तो ये चीजें तो आपको एटलीस्ट याद रखनी है, बाकी आपको नाम याद रखने किसने कौन सी पर्सनालिटी के टाइप्स दिए हैं, और ये वाली पर्सनालिटी के टाइप थियोरीज में आते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कई बार सिर्फ ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन से साइकोलॉजिस्ट टाइप थियोरिस्ट हैं, तो भाई जिसने टाइप थियोरीज की या टाइपोलॉजी की बात की है ना, वो क्या हो जाएंगे, हमारे टाइप थियोरिस्ट हो जाएंगे। जैसे फ्राइडमैन एंड रोजनमैन, मॉरिस हो गए, देन उससे ऊपर हमने पढ़ा था शेल्डन हो गए, हिप्पोक्रेट हो गए। तो ये आपको पता होने चाहिए कि किसने कौन से टाइप, कार्ल जंग हो गए जिन्होंने एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट की बात की, तो वो पता होना चाहिए। प्लस अगर आपको टाइप पता होंगे तो आपको उसका मतलब भी कॉन्सेप्चुअल लेवल पे ध्यान होगा। जो पर्सनैलिटी की टाइपोलॉजी है वो बहुत अपीलिंग है कि वो अच्छा सिंपल भी है, टाइप ए टाइप बी ये दैट्स इट। ह्यूमन बिहेवियर जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जितना सिंपल इन्होंने दिखा दिया इतना सिंपल होती नहीं है, चीजें कॉम्प्लेक्स होता है, प्लस चेंज होता रहता है, वेरी करता रहता है। असाइनिंग पीपल टू अ पर्टिकुलर पर्सनैलिटी टाइप इज डिफिकल्ट। किसी भी इंसान को एक पर्सनैलिटी टाइप असाइन कर देना कि ये तो टाइप ए जैसा ही इंसान है, ऐसा जरूरी नहीं होता है, चेंज होती रहती है चीजें। सो पीपल डू नॉट फिट इनटू सच सिंपल कैटेगराइजेशन स्कीम सो नीटली। इतने क्लियरली हम ये नहीं बोल सकते कि ये टाइप ए है, ये टाइप बी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अलग कैरेक्टरिस्टिक भी आपको उसमें दिखाई देंगी। बहुत सारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक दिख सकती हैं कि टाइप बी की कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन स्टिल उनमें बीपी की प्रॉब्लम देखी गई है, ठीक है, हाई बीपी की। सो वो चीजें हो सकती हैं, इसलिए जितना सिंपल ये दिख रहा है ना, उतना सिंपल है नहीं, तो इतना पता होना चाहिए। बाकी जो जो टाइप्स मैंने बताए हैं वो सारे टाइप्स आपको याद रखने हैं, अच्छे से नोट्स बना के याद कर लीजिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्यूटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज।